नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी नाइन। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर और हमारी इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये खास पेशकश अदानी ग्रुप को लेकर है। अदानी ग्रुप के शेयरों की जो पिटाई हुई है, जो घमासान मचा है, आज जो भारी तबाही मची है, उसको लेकर है कि आखिर ये मामला क्या है। इसके जो 360 डिग्री कवरेज है वो हम आपके सामने करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कहाँ से ये स्टार्ट हुआ और आज जो ग्रुप शेयरों में गिरावट देखने को मिली है, ये कितनी बड़ी गिरावट है, कितना मार्केट कैप वाइप आउट हो गया, इन्वेस्टर्स को इससे कितना लॉस हुआ और अब आगे की जो राह है निवेशकों के लिए अदानी ग्रुप के शेयरों में वो कैसी रह सकती है, इन सब पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी प्रवीण जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमने देखा कि आज भारी तबाही मचती हुई दिखी है जितने भी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं। हिंडनबर्ग का जो मामला था पिछले साल जो जनवरी में शुरू हुआ था, उसके बाद के सबसे बड़ी तबाही है ये। बिल्कुल, सबसे बड़ी तबाही है। और 24 जनवरी को लास्ट ईयर जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उस वक्त तक जब हम देखते हैं तो पीक पे अडानी ग्रुप का जो मार्केट कैप था वो 19.5 लाख करोड़ के आसपास था। और फिर जब वो क्राइसिस बड़ी हुई, बिगर हुई, तो उससे फिर वो घट के आप समझिए कि 7.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास के लो पॉइंट तक अडानी ग्रुप का मार्केट कैप पहुंच गया था। और अब एक बार फिर से कल रात में ये पूरी खबर आई, उसके बाद हिंडनबर्ग ने खुद भी, हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से भी इस बात को ट्वीट किया गया कि किस तरह के आरोप अडानी ग्रुप पे, 265 मिलियन डॉलर की जो ब्राइबरी का पूरा है, ब्राइबरी स्कीम जिसको कहा गया है US अटॉर्नी के ऑफिस से, न्यूयॉर्क के, वहाँ से इस चीज़ की सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने इसका ब्यौरा दिया है कि किस तरीके से इसकी जाँच हुई है, क्या इसके नतीजे निकल के आए हैं, ये पूरा ब्यौरा उसमें दिया गया है। और उसमें बताया गया कि लगभग 2100 करोड़ रुपए की जो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं उसको देने, उनको हासिल करने के लिए रिश्वत देने की कोशिश की गई, उसका प्लान बनाया गया और वो भारतीय अफसरों को रिश्वत देने का पूरा मामला था। तो आप तो आज सुबह भी आपने लाइव जब मॉर्निंग में किया था तो उसमें तमाम पूरे जो खबर को ब्रेक किया था उसमें बताया था। आखिर ये भारत के शेयर बाजार के हिसाब से अगर हम देखें तो कितना बड़ा मामला आपको नजर आता है संदीप जी? देखिए, दो कंपनियां तो इनकी इंडेक्स में ही हैं। अगर आप निफ्टी की बात करेंगे तो उस लिहाज से पहले थोड़ा सा मैं मामला आपको और डिटेल में बता देता हूं। जैसे आपने थोड़ा एक्सप्लेन किया भी, ये यूएस के जो अधिकारी हैं जिसमें SEC भी शामिल है इसमें और इनका जो न्यूयॉर्क की एक कोर्ट है उनकी ओर से भी ये जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक गौतम अदानी तो इसमें शामिल है ही हैं। इस पूरे ग्रुप की जो कंपनियां हैं उनके 7 एग्जीक्यूटिव, जो 7 और अधिकारी हैं, वो भी इसमें शामिल है। और जैसे आपने कहा, भारत में जो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, उनको हासिल करने के लिए ये रिश्वत देने की यहाँ पे जो दोषी है वो उनको पाया गया है, इनके आरोप लगाए गए हैं। और इसमें एक तो रिश्वत तो दी गई है, 25 करोड़ डॉलर की जो रकम आई है 2100 करोड़ रुपए की, जिसके एवज में कई बिलियन डॉलर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हाथ लगने की जो बात है वो की गई है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बोला गया है कि इन्होंने करीब करीब 3 बिलियन डॉलर्स के लोन लिए हैं, बॉन्ड्स के जरिए भी पैसा रेज किया है और वो पैसा अमेरिका के जो निवेशक हैं उनके थ्रू लिया गया और उसके साथ साथ जो ग्लोबल फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उनको धोखे में रखा गया, उनको अंधेरे में रखा गया और इस रिश्वतखोरी के बारे में उनको किसी भी तरह का कोई भी अंदाजा नहीं था। इनफैक्ट मैंने तो प्रवीण जी यहाँ तक भी पढ़ा है कि इन्होंने, ये जो जांच हो रही है, पूरा जो मामला चल रहा है 2021-22 से चल रहा है, उसमें भी इन्होंने कुछ अपनी तरफ से टिंकरिंग करने की कोशिश करी है, कुछ सच को छुपाने की जो कोशिश है वो भी की गई है, ऐसा रिपोर्ट में निकल के सामने आया। शायद यही कारण है कि इतनी बड़ी गिरावट जो है वो इन शेयरों में देखने को मिले, क्योंकि हिंडनबर्ग के बाद बाजार को ऐसी चीज़ों की अब कह सकते हैं कि आदत सी हो चुकी, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट एक बार नहीं आई, दो बार आई है, उसके बाद भी उन्होंने कोशिश करी लेकिन उस टाइम हमने देखा था कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला अदानी ग्रुप के शेयरों पर। लेकिन फिर भी ये जो छेड़छाड़ करने की बातचीत है, सच के साथ एक तरह से जो टिंकरिंग करने की बातचीत ना, शायद उससे बाजार काफी ज्यादा विचलित हुआ है, क्योंकि इससे गवर्नेंस के जो इश्यूज हैं वो कहीं ना कहीं निकल के सामने आते हैं। और इनफैक्ट आप देखिए, निवेशकों के साथ जो गलत स्टेटमेंट, भ्रामक तरीके से झूठ बताने की जो बात की गई है, उससे भी बाजार काफी हद तक इसमें चिंतित होता हुआ दिखा है। इनफैक्ट आप देखिए, हाल में इन्होंने 10 बिलियन डॉलर यूएस में इन्वेस्ट करने की बातचीत करी थी और जैसा आपने कहा कि 600 मिलियन डॉलर ये खुद अदानी एंटरप्राइजेज भी बॉन्ड्स के जरिए रेज करना वाला था, उसको भी इन्होंने अपना जो फैसला है उसको रद्द कर दिया है। शायद एक इत्तेफाक हो सकता है कि पहले ये जब अपना FPO लेके आने वाले थे अदानी एंटरप्राइजेस की बात है, उस समय भी ये रिपोर्ट आई थी, अब जब ये बॉन्ड इशू के जरिए इतना बड़ी रकम जुटाने वाले हैं उस समय भी ये रिपोर्ट निकल के सामने आई, तो
कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ये जो रिपोर्ट्स निकल के सामने आती है उसमें इत्तेफाक का फैक्टर भी काफ़ी ज़्यादा है कि जैसे ही पैसा रेज करने जाते हैं कोई नेगेटिव खबर आ जाती है। बिल्कुल, और राजनीति भी भारत में तो तेज हो ही गई है, अडानी को लेकर पहले से भी चल रही है और आज फिर उसी बात को है कि बीजेपी ने भी कहा है कि ये इत्तेफाक है कि कुछ ऐसे इवेंट्स पे इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं। और राहुल गांधी ने हालांकि दूसरी तरफ बड़ा हमला बोल दिया है और उन्होंने साफ तौर पे ये तक कह दिया है कि गौतम अडानी को अरेस्ट कर लिया जाना चाहिए। तो खैर राजनीति को अलग रखते हैं, लेकिन अगर आज हम शेयरों की बात करें अडानी ग्रुप के, तो आज उनमें अगर हम NDTV को छोड़ दें तो बाकी सारे शेयर बुरी तरह से गिरे हैं। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस 20% डाउन है, अडानी एंटरप्राइज 23% से ज़्यादा गिरा है, अडानी ग्रीन एनर्जी जो विवाद की जड़ में अडानी ग्रीन एनर्जी का नाम आ रहा है कि उसी को लेकर ये सारा है। हालांकि एक बात और भी यहाँ दर्शकों को हम बता दें, अडानी ग्रुप ने अपनी तरफ से सफाई भी दे दी है इस पूरे मामले पर, इस विवाद पर, और उन्होंने कहा है कि ये सारे आरोप बेसलेस हैं, इनको अडानी ग्रुप ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। तो ये अडानी ग्रुप का पक्ष है, लेकिन अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर लगभग 19% गिरे, अडानी पोर्ट 13% से ज़्यादा गिरा, अडानी पावर 10% गिरा और बाकी भी 10-10% के आसपास गिरे हैं। थोड़ा मामूली चढ़ के न्यू दिल्ली टेलीविजन जो NDTV है वो चढ़ के बंद हुआ है। 2.25 लाख करोड़ रुपये का एक दिन में नुकसान हुआ है। गौतम अडानी की जो नेटवर्थ है उसमें भी लगभग $12 बिलियन का एक दिन में गिरावट हम देख रहे हैं, ये नेटवर्थ में उनकी जो गिरावट है तो उसमें देख रहे हैं। जो दूसरे पहलू हैं उनको किस तरह से देखें, क्योंकि GQG पार्टनर जो उनके सेवियर बने, जैसा आप बता रहे थे कि जब क्राइसिस हिंडनबर्ग की आई तो GQG पार्टनर्स ने जो राजीव जैन जिसको चलाते हैं उन्होंने एक लंबी चौड़ी पूंजी गौतम अडानी के कंपनियों में लगाई थी। अब उस सब का क्या होगा, खबरें ये भी आई हैं कि वो रिव्यू करने वाले हैं, मूडीज का क्या कहना है सर इस पे, अगर आप कुछ बता पाएं। हाँ, मैं इनफैक्ट ये जो GQG पार्टनर्स वाली रिपोर्ट है, इनफैक्ट आपने इस पे गहन अध्ययन किया भी है, मैं आपसे ज़्यादा डिटेल में पूछूंगा, लेकिन मुझे याद है जब ये January 2023 में पहली बार रिपोर्ट आई थी तो उसके बाद मसीहा कह सकते हैं कि GQG पार्टनर्स ही उभर के सामने आए थे और जिस तरह से उन्होंने ग्रुप शेयरों में खरीदारी की थी एक के बाद एक ब्लॉक डील्स के जरिए अपने जो स्टेक बढ़ाए थे उससे भी निवेशकों का कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लौटता हुआ नजर आया था। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि अब वो समीक्षा करते हुए नजर आएंगे तो इस बात का डर तो नहीं है कि कभी वो भी इनका साथ छोड़ के चले जाएं? आपने जो अध्ययन किया जरा उस पर शेयर कीजिए। बिल्कुल, देखिए GQG पार्टनर्स ने जब पिछले साल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तब वो सबसे बड़ा सहारा बने थे राजीव जैन, और उन्होंने पहले ही ट्रेंच में लगभग 15,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था अडानी ग्रुप की कंपनियों में, चाहे अडानी एंटरप्राइजेज हो, अडानी ग्रीन एनर्जी में भी है उनका, अडानी पावर और दूसरी कंपनियों में उनका लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट है। और जो आंकड़े बता रहे हैं वो अपने पीक पे वो 80,000 करोड़ के आसपास वो इन्वेस्टमेंट उनका पहुंच गया। एक समय तो ऐसे भी आंकड़े आते थे कि उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर 50,000 करोड़ रुपए बना भी लिए हैं, अच्छा खासा रिटर्न भी कमा लिया है। हाँ हाँ, और उनका कमिटमेंट रहा है कि उनको एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि फंडामेंटली अच्छा अडानी ग्रुप का कारोबार पूरा लगा। लेकिन आज जो रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है कि अब क्योंकि जो GQG पार्टनर्स के ऑस्ट्रेलिया में जो लिस्टेड हैं शेयर, वहाँ आज 20% से ज़्यादा उनके शेयरों में गिरावट आई है और अब जो राजीव जैन है वो खुद भी फिक्रमंद है, चिंतित हैं, और संभवतः इसी वजह से ये खबर आ रही है कि अब जो GQG पार्टनर्स हैं वो अपने जो अडानी ग्रुप में जो इन्वेस्टमेंट है उसका रिव्यू कर सकते हैं, उसकी वो पूरा जो घटनाक्रम है उसकी वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है अडानी ग्रुप के लिए, मुश्किल इस लिहाज से भी बढ़ सकती है कि अगर GQG पार्टनर्स अपने स्टेक्स को ट्रिम करते हैं अडानी ग्रुप में तो वो और क्या गिरावट का शिकार हो सकते हैं अडानी ग्रुप के शेयर, ये एक बड़ा इसमें मसला हो सकता है। वैसे आपने जो राजीव जैन जी का मुद्दा उठाया है, मैंने उनके बारे में पढ़ रहा था तो काफी अच्छे रिटर्न्स दिलाने के लिए माने जाते हैं, अच्छे खासे एसेट्स को मैनेज भी करते हैं, उसका भी ब्यौरा है शायद आपके पास? बिल्कुल, उनका अच्छा खासा रिटर्न उन्होंने दिया है और वो काफी फेमस है और बहुत सारे, और उनके इंडिया फोकस्ड फंड है जहाँ पे वो भारतीय कंपनियों में पैसा लगा के अच्छा रिटर्न वहाँ पे US में देते हैं, US बेस्ड हैं वहाँ पे। तो राजीव जैन को वहाँ का दिग्गज इन्वेस्टर माना जाता है और उनको माना जाता है कि ये सॉलिड रिटर्न दिलाने में माहिर हैं। लेकिन अब जो पूरा घटना है उसमें एक बड़ा बड़ा फैक्टर पिछले 1-1.5 साल में अगर हम देखें तो वो यही रहा है कि अडानी ग्रुप के शेयरों में जो उनको उन्होंने लोअर लेवल पे स्टेक खरीदे उस पर उनको तगड़ा प्रॉफिट हुआ जब अडानी ग्रुप के शेयरों में रिकवरी हुई।
तो ये जो अब मूडीज का टेक आ रहा है कि ये जो पूरा मामला है, जो दोषी पाया गया है, इनको ब्राइबरी का केस आया इनके खिलाफ, ये क्रेडिट नेगेटिव है अपने आप में। बिल्कुल। तो क्या ये इस चीज़ का अंदेशा है कहीं ना कहीं कि जीक्यूजी पार्टनर्स भी अपने हाथ खींच सकता है या फिर उनका भरोसा भी डगमगाता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, क्योंकि यूएस इन्वेस्टर्स शामिल है। और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि यूएस के कोर्ट ने इंडिक्टमेंट किया है, आरोप दिए हैं कि ये गौतम अडानी, सागर अडानी, उन्होंने बाकायदे नाम दिए और सात एग्जीक्यूटिव अडानी ग्रुप के, उनको उन्होंने बताया कि इन लोगों पे आरोप हैं। उन्होंने उसके ब्यौरे भी दिए कि कैसे कैसे गौतम अडानी खुद मिले, कोड नेम क्या थे उनके, वो पूरा ब्यौरा उसमें दिया गया है। कैसे, एक वाक्य का और भी जिक्र किया गया कि मार्च 2023 में सागर अडानी को यूएस में एफबीआई ने अप्रोच किया था, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं उनको सीज किया था, जब्त किया था और उनसे सवाल जवाब किए थे। इस तरह की बात भी इसमें जो रिपोर्ट्स हैं उसमें लिखी हुई हैं। तो ये मामला थोड़ा सा पेचीदा है। अब देखना ये है इसमें कि आगे अडानी ग्रुप किस तरह के इसमें, क्योंकि बड़ा फंडिंग जो बात आ रही थी कि वो यूएस से फंडिंग लेना चाह रहे थे, यूएस के इन्वेस्टर से, तो क्या उन चीज़ों पे अड़ंगा लगेगा? क्या जिस बड़े पैमाने पे अडानी ग्रुप एक्सपेंशन करना चाह रहा था, इस पूरी क्राइसिस से ऐसा लगा कि अब वो उभर गए हिंडनबर्ग की, तो क्या अब आपको लगता है क्या एक्सपेंशन प्लान जो लंबे चौड़े थे ग्रीन एनर्जी के या पावर में या दूसरे सेक्टर्स में जो बना रहे थे, क्या वहाँ पे अब फिर से अवरोध आ सकता है? देखिए, अनिश्चितता तो इसी बात को लेकर है, क्योंकि जैसे आपने कहा सागर अदानी का नाम इसमें सामने आया, वो अदानी ग्रीन के ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही, इनफैक्ट इसी हफ्ते की खबर है, उन्होंने एसबीआई का एक कॉन्क्लेव था उसमें बोला भी था कि अगले 5 साल में वो $35 बिलियन का निवेश करने जा रहे हैं, जिसमें सोलर भी है, विंड भी है, बेसिकली जो रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स हैं उसमें वो अगले 5 साल में $35 बिलियन का निवेश करने जा रहे हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी बड़ी रकम है जो कि वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इनफैक्ट ये पूरा ग्रुप अगर आप देखेंगे तो जो नए बिजनेसिस हैं या फिर जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं। खावड़ा गुजरात में एक जगह है, आपको याद होगा, वहाँ पर इनका दुनिया भर में जो सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो बन रहा है। और उस लिहाज से देखा जाए तो इनका फोकस काफ़ी ज़्यादा है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर। और जिस तरह से ये बुलिश हैं, जिस तरह से ये निवेश कर रहे हैं और बड़े बड़े निवेश करने की बातचीत करते हैं, यूएस में तो $10 बिलियन कर ही रहे हैं, लेकिन ग्रीन एनर्जी पर, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर $35 बिलियन की इन्होंने निवेश की बात करी थी और उसके जस्ट बाद ये मामला निकल के सामने आता है। तो जाहिर सी बात है वो जो निवेश है या फिर इनकी जो योजनाएँ हैं, अगर खटाई में नहीं तो कम से कम ठंडे बस्ते में जाती हुई नजर आ सकती है। तो इनके जो बिजनेस ग्रोथ हैं, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तब भी ये मामला निकल के सामने आता था कि इन कंपनियों के जो अबिड्डा यानी कि जो कामकाजी मुनाफा है वो इतना ज़्यादा नहीं है। इनको वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा मिलते हैं लेकिन इन कंपनी की जो कमाई है वो इतनी ज़्यादा नहीं है इनकम एज कम्पेयर टू जितना ये कमाते हैं। तो उस लिहाज से अगर फिर से वैसा मामला आता है, इनका फोकस अपने आप को बचाने, कारोबार के बजाय अपने आप को बचाने के ऊपर ज़्यादा शिफ्ट होता है, तो जाहिर सी बात है बिजनेस एक्सपेंशन, बिजनेस की जो ग्रोथ है उसके ऊपर कहीं ना कहीं लगाम लगती हुई दिखेगी। और वो भी एक कारण है जिस वजह से शेयर्स जो हैं हो सकता है आने वाले समय में भी करेक्ट होते हुए दिखें। अगर कोई बड़ी खबर, कोई बड़ा निवेशक या कोई बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर आने वाले समय में नहीं देखने को मिलता है तो यहाँ दो सवाल और हैं, हम जल्दी से आपसे लेंगे। एक सवाल तो ये है कि इन्वेस्टर्स का क्या होगा, जैसा आप बता रहे थे कि कोई अगर बड़ी पॉजिटिव खबर नहीं आती तो शेयर्स और टंबल कर सकते हैं, गिर सकते हैं। दूसरा एक सवाल इस बात का है जो क्या सरकार पे सेबी को भी घेरने की बात आई है। राहुल गांधी ने भी कहा है कि सेबी चीफ की जांच होनी चाहिए, सेबी पहले से सेबी चीफ प्रेशर में है, सेबी पे ये आरोप है कि आप चीज़ों को गोलमोल कर रहे हैं, क्या वहाँ प्रेशर बन सकता है? और क्या इन्वेस्टर्स के लिए अब इस पूरे मामले में उनके लिए क्या मैसेज है, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, पहले सवाल का आपके जवाब तो यही है कि जीक्यूजी पार्टनर्स का जो रुख होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो क्या बोलते हैं, समीक्षा भी किस तरह से करते हैं उसमें क्या बोलते हैं वो, क्या वो बने रहेंगे, थोड़ा समय और देखेंगे, वेट एंड वॉच में जाते हैं या फिर अपना इन्वेस्टमेंट कम करते हैं, उनका जो टेक होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दूसरी बात, जो पॉलिटिकल एंगल है ये तो हिंडनबर्ग की जब से रिपोर्ट आई है तब से ही है। और इनफैक्ट राहुल गांधी आज भी जो उन्होंने बयान दिया है उन्होंने यही कहा है कि जब तक मोदी जी हैं तब तक इनकी जांच नहीं होगी अदानी की, और अगर अदानी जी की जांच हो गई या वो अगर फंस जाते हैं तो फिर इनकी सरकार भी गिर जाएगी, यहां तक भी बोला गया। तो पॉलिटिकल एंगल भी है इसमें, यूएस का भी इसमें कहीं ना कहीं हस्तक्षेप है, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड माना जाता है कि हमारी ग्रोथ को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, उसको सही नहीं समझते हैं, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, हमारी ग्रोथ को कहीं ना कहीं कर्टेल करने की जो कोशिश है वो पूरी तरह से की जा रही है। अब किसको इसमें सामने लेकर आया जाता है या टारगेट किया जाता है वो अलग बात है, लेकिन हाँ, इंडिया फोकस में है कहीं ना कहीं। जी
तो अदानी ग्रुप को लेकर ये थी हमारी खास पेशकश, जिसमें हमने कवर करने की कोशिश करी कि आज दिन भर क्या हुआ, क्या अपडेट आए हैं, उसका शेयरों पर क्या इंपैक्ट देखने को मिला और अब आगे चलते हुए किस तरह के डेवलपमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कल के सेशन में अदानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं और इसमें जो नए डेवलपमेंट्स आएंगे, जो भी ताज़ा खबरें आएंगी लाइव या फिर जो दूसरे वीडियोज़ हैं उसके जरिए लगातार आपके साथ ये जो अपडेट्स हैं हम शेयर करते रहेंगे। इस खास वीडियो में, खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मई 9 के साथ आप जुड़े रहिए। नमस्कार।